हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुमिता। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज ट्यूसडे है तो आज मैं बच्चे के लिए, मेरे बेटे के लिए छोले पूरी बनाने जा रही हूं। हमेशा एक सबको, माओ को टेंशन रहता है कि आज क्या बनाएं नाश्ते में, ब्रेकफास्ट में बच्चे को आज क्या बना के दें। तो आप ये जो छोले पूरी का रेसिपी देखिए, आप ऐसे बना सकते हैं। आपको अगर मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और वीडियो को एंड तक देखिए। मैंने बच्चे को छोले पूड़ी के साथ और क्या दिया है वो मेरे वीडियो को आप एंड तक देखेंगे तो पता चलेगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं छोले पूड़ी बनाना। हाँ तो फ्रेंड्स, आज ट्यूसडे है तो मैं अपने बेटे के ब्रेकफास्ट के लिए पूड़ी और छोले बनाने जा रही हूँ। तो देखिए, मैंने 1.5 कप आटा लिया है, उसमें मैंने 1 चम्मच तेल डाल दिया है। और फ्रेंड्स, मैं क्या करूँगी, ये देखिए नमक और थोड़ा सा अजवाइन लिया है जो मैं इसमें डाल दूँगी, और आटे को अच्छे से एकदम सॉफ्ट, थोड़ा सा सॉफ्ट डो बना दूंगी। फ्रेंड्स, अजवाइन मैंने इसलिए डाला कि जो हम पूड़ी बनाएंगे ऑयल रहता है तो अजवाइन उसको क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा। और नमक इसलिए डाला है, नमक कभी कभी हम बच्चों को पूड़ी के साथ सब्जी देते हैं तो छोटे बच्चे क्या करते हैं, सब्जी नहीं खाते हैं, छोड़ देते हैं, खाली पूड़ी खाते हैं। तो पूड़ी में थोड़ा सा नमक रहेगा तो अच्छा टेस्ट आएगा पूड़ी में। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, अभी इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक डो बना देंगे। चलिए फिर मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसमें एक डो बना देती हूँ। पहले ये सब नमक और अजवाइन तेल को मिक्स कर देती हूँ, फिर एक डो बना देती हूँ। हाँ तो फ्रेंड्स, देखिए अभी मैंने आटा गूंद दिया है। अभी क्या करेंगे, हम इसे 20 मिनट के लिए ढक के छोड़ देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम छोले बनाएंगे। इसको क्या करेंगे, 20 मिनट के बाद हम पूड़ी बनाएंगे। तो फिर चलिए हम नेक्स्ट प्रोसेस के ओर चलते हैं, छोले बनाना शुरू करते हैं। छोले बनाने के लिए मैंने लिया है तड़के के लिए थोड़ा सा जीरा, 1 तेज़पात, 1 इंच दालचीनी, 1 स्टार। और तड़के में हम डालेंगे ये कड़ी पत्ता। और मसालों में मैंने लिया है स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर। और हम क्या करेंगे, तड़के में प्याज भी डाल के छोटा छोटा करके काट दिया है मैंने, इसे तड़के में डालेंगे। और एक पेस्ट बनाया है, 2 प्याज, 2 हरी मिर्ची, 7-8 कली लहसुन, 1 इंच अदरक डाल के इसका मैंने पेस्ट बना दिया है। और ये एक टमाटर का पेस्ट है, जो 2 टमाटर को काट के मैंने मिक्सी में इसका पेस्ट बना दिया है। और मेन चीज़ जो है छोले है, छोले को मैंने बॉईल कर दिया है, 8 घंटा ऐसे पानी में डाल के रखा था, पूरी रात ही समझिए, रात में मैंने पानी में डाल दिया था छोले को, और सुबह मैंने इसे बॉईल कर दिया है 4-5 सीटी लगा के। तो अभी क्या करेंगे, हम छोले बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने क्या किया है, गैस पे कुकर चढ़ा दिया है, कुकर में ही हम बनाएंगे छोले। और कुकर में छोले बनाने से क्या होता है, जब सीटी लगती है तो मसालों के साथ अच्छे से छोले के अंदर मसाला चला जाता है, बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो प्रेशर कुकर में बनाते हैं छोले। पहले से ही मैंने तेल डाल दिया है। अभी हम क्या करेंगे, तड़के में जो हम लिए हैं जीरा, तेजपात, स्टार और दालचीनी, इसको क्या करेंगे, हम तेल में डाल देते हैं। तेल मैंने पहले से चढ़ा दिया था इसलिए गर्म हो गया है। अभी क्या करेंगे फ्रेंड्स, देखिए तड़का लगा दिया है मैंने। अभी हम क्या करेंगे, जो हमने प्याज और जो कड़ी पत्ता लिया था उसको हम साथ में डाल देंगे। कड़ी पत्ता को मैं जब भी डालती हूँ पहले धो के और कपड़े में पोंछ देती हूँ, नहीं तो क्या होता है, जब तेल में डालते हैं उसका जो तेल ऊपर बहुत आता है, तो इसीलिए कड़ी पत्ता को मैंने धो के
डाल दिया है पोट के। तो थोड़ा सा प्याज को हम क्या करेंगे, ब्राउन होने देंगे। तेल अच्छे से गर्म हो गया है तो हमारा जो प्याज भी जल्दी ब्राउन हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो फ्रेंड्स हमने जो पेस्ट बनाया है ना, वो प्याज अदरक लहसुन हरी मिर्ची का वो पेस्ट हम डालेंगे। देखिए प्याज ब्राउन हो गया है। प्याज पहले से छोटा छोटा करके डालने से अच्छा टेस्ट आता है, इसलिए मैं हमेशा प्याज डालती हूँ। मैंने जो प्याज का पेस्ट बनाया है, आप चाहे तो उसमें काजू भी डाल सकते हैं, काजू का पेस्ट भी। अभी क्या करेंगे, ये जो प्याज हमने डाला है, प्याज का पेस्ट, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और प्याज का कच्चा स्मेल जाने तक 5-7 मिनट हम मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे और लगातार चलाते रहेंगे। हाँ तो फ्रेंड्स देखिए प्याज हमारा बहुत अच्छे से पक गया है, प्याज का पेस्ट जो। अभी हम क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे फ्रेंड्स, जब अदरक लहसुन ये प्याज का पेस्ट अच्छे से पक गया है तो अभी हम क्या करेंगे, जो टमाटर का पेस्ट लिया है हमने उसको डाल देते हैं। टमाटर का पेस्ट डाल के हम अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स जो हम पेस्ट डाल रहे हैं, अदरक लहसुन का और प्याज का पेस्ट डाला हमने, टमाटर का, ये सब प्रोसेस ना आपको लो मीडियम फ्लेम में करना है, ज़्यादा फ्लेम हाई नहीं करना है, क्योंकि नहीं तो क्या होगा, मसाला सब जल जाएगा। तो देखिए मैंने अच्छे से सबको मिक्स कर दिया है। अभी हम क्या करेंगे, जो हमने मसाला सब लिया है, नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर, ये सबको क्या करेंगे, ये पेस्ट के साथ डाल देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स ये सब मैंने डाल दिया है, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और मसाला अगर आपको सूखा सूखा लगता है तो आप इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा पानी डाल के मसाले को पका सकते हैं, नहीं तो क्या होगा, जब तक हमारा टमाटर का पेस्ट पकेगा उससे ये मसाला सब जल जाएगा। तो मैं क्या करती हूँ, इसमें थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ और मसाले को क्या करूँगी, अच्छे से मिक्स कर दूँगी। देखिए अच्छे से मिक्स कर दिया है। और थोड़ा सा हम क्या करेंगे, कुकर का लीड बस ऐसे ही रख देंगे, इसको लगाएंगे नहीं, ऐसे ही रख देंगे और मसाले को 3-4 मिनट पकने देंगे लो मीडियम फ्लेम पे, और बीच बीच में हम चलाते रहेंगे, नहीं तो वो मसाला जल सकता है या मसाला जो कुकर में पकड़ सकता है, तो हम बीच बीच में चलाते रहेंगे। हाँ तो फ्रेंड्स देखिए अभी मसाला हमारा बहुत अच्छे से पक चुका है, मैंने लीड हटा दिया और देखिए मैंने चेक किया तो ये अच्छे से मसाला हमारा पक चुका है। अभी हम क्या करेंगे, छोले को इसमें डाल देंगे, बॉईल जो हमने उबाल के रखा है उसको हम क्या करेंगे इसमें डाल देंगे और मसालों के साथ 2 मिनट ऐसे मिक्स करके पकाएंगे। देखिए मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है, 2 मिनट ऐसे पकाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा पानी देके लीड लगा के 2 सीटी आने तक पकाएंगे। तो 2 मिनट अभी हमारा हो गया है, देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है ये। अभी हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा पानी दे देंगे, जो जिसमें मैंने पेस्ट बनाया था अदरक लहसुन सबका, तो उसका ही पानी मैं दे रही हूँ, जो बचा हुआ था मसाला उसमें थोड़ा सा मैंने पानी डाल के मैंने क्या किया, इसमें ऐड कर दिया। तो अभी क्या करेंगे, हम लीड लगा के कुकर का
दो सीटी आने तक तो मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे। उसके बाद हम चलते हैं पूड़ी के ओर। पूड़ी जो आटा हमारा सेट हो गया है, 20 मिनट हो चुका है, फटाफट पूड़ी बनाते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने पूरी को अच्छे से बेल दिया है और मैंने गैस पे तेल भी चढ़ा दिया है पैन में। तो पूरी तलने के लिए तेल एकदम अच्छा गर्म होना चाहिए, तभी ही हमारी जो पूरी क्या फूली फूली निकलेगी। तो मैं एक पूरी डाल के देखती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, तेल अभी गर्म हो गया है। अभी मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा चारों ओर से ऐसे ऐसे करके पूड़ी को ऐसे ऐसे घुमा घुमा के ऐसे पलटती हूँ। देखिए पूड़ी फूलने के लिए तेल अच्छा गर्म होना चाहिए। देखिए अभी मैं इसको निकाल देती हूँ, तेल बहुत गर्म हो गया है हमारा। पूड़ी देखने में कितनी अच्छी लग रही है। अभी हम क्या करेंगे, दूसरी पूड़ी भी डाल देते हैं और थोड़ा सा ऐसे दबाने से पूड़ी हमारी फूलेगी अच्छे से। देखिए कितने अच्छे से फूल रही है पूड़ी, देखिए। और इसको पलट देना है, पीछे से भी एकदम ब्राउन हो गया है। अभी मैं निकाल देती हूँ। अगर आपको लगता है कि तेल ज़्यादा गर्म हो गया है तो फिर आप मीडियम फ्लेम पे रख सकते हैं उसको। अभी मैं तीसरी पूड़ी डाल देती हूँ। तेल अगर जैसे गर्म है, पूड़ी को फटाफट आपको पलटना है, ऐसे चारों ओर से घुमा घुमा के। अगर आप पूड़ी को ऐसे तलेंगे तो पूड़ी फूली फूली निकलेगी। देखिए ये तीसरी पूड़ी है, कितनी अच्छी बनी है पूड़ी। और बस हमें फटाफट पूड़ियाँ तलनी हैं, फिर हमारा जो छोले है ना वो भी रेडी हो गया है। अभी हम प्लेटिंग करेंगे। देखिए फ्रेंड्स कितनी अच्छी बन रही है पूड़ी, कितनी अच्छी फूल रही है। ऐसे ही बनाइए पूड़ी और छोले जैसे मैंने बनाया है, आप एक बार जरूर ट्राई कर सकते हैं। अभी मैं इसको निकाल देती हूँ। आपको ऐसे ऐसे घुमाना है तभी जाके पूड़ी आपकी फूलेगी। तेल अच्छा गर्म होना चाहिए। गर्म होने के बाद आप उसको मीडियम फ्लेम पे रख के पूड़ी को ऐसे तल सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी पूड़ी बनी है। पांच पूड़ी बनाया है, पांचों पूड़ी फूली फूली मेरी बनी है। तो अभी मैं गैस ऑफ कर देती हूँ, फिर हम छोले और पूड़ी का प्लेटिंग करते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स देखिए, पूड़ी अभी रेडी हो गया है, छोले भी रेडी है, मैंने प्लेटिंग कर दिया है। तो आज ट्यूसडे है तो मैं बेटे को ब्रेकफास्ट में छोले और पूड़ी दे रही हूँ, उसके साथ फ्रूट्स में पपीता दे रही हूँ, जो पपीता उसको बहुत पसंद है, तो आज मैं उसको पपीता दे रही हूँ। तो फ्रेंड्स ये एक ऑप्शन है आपके बच्चों को चाहे बड़ों को, ब्रेकफास्ट में ये आप दे सकते हैं। छोले पूड़ी तो ऐसा है कि आप ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर किसी भी टाइम आप खा सकते हैं। तो बच्चों के लिए फ्रूट्स भी उनके पसंद का दीजिए और ब्रेकफास्ट से पहले फ्रूट्स खाने के लिए बोलिए। फ्रेंड्स आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।